आज के इस बदलते परिवेश में हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उच्च से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करें। आज के समय में शिक्षा के महत्व से कोई भी अभिभावक अछूता नहीं है। इसी के चलते आज हर एक अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में समझा जाता है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही सही मानी जाती है। लेकिन आज राजस्थान में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। यहां पर संस्कृत के कई संस्थान मौजूद हैं, जो आज भी विश्व की सबसे पुरानी भाषा को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आज के युग को अंग्रेजी भाषा का युग कहा जाए तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। पर आज भी अगर कोई संस्थान सामान्य संस्कृत के साथ उच्च स्तर की संस्कृत की शिक्षा दे रहा हो तो उसके बारे में बात किया जाना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित महापुरा गांव की। हम बात कर रहे हैं उस गांव की जहां पर संस्कृत को आज भी जिंदा रखा गया है। अगर इस गांव के इतिहास के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस गांव को शिवानंद गोस्वामी जैसे विद्वान को आमेर नरेश राजा विष्णु सिंह ने उनका शिष्यत्व स्वीकारने के उपलक्ष्य में जागीर के रूप में भेंट किया था। इस गांव का प्राचीन नाम शिवनंदपुरी है और ये गांव संस्कृत शिक्षा का गढ़ माना जाता है। यहीं पर संस्कृत शिक्षा के लिए प्रारंभ में एक पाठशाला का निर्माण हुआ था। उसके बाद यहां पर कई बड़े और छोटे विद्यालयों का निर्माण हुआ, जिनमें वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय, शास्त्री संस्कृत कॉलेज व राजस्थान का एकमात्र सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय शामिल है। आज ये गाँव पूरे भारत में संस्कृत शिक्षा का उदाहरण बना हुआ है। यहाँ जाकर हमने शास्त्री संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की और जाना इस विद्यालय और यहाँ के इतिहास के बारे में। महापुरा जो राजधानी जयपुर की छोटी काशी के नाम से, अर्थात यूं कहूँ कि संस्कृत शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। बात करें महापुरा की तो यहाँ पर से हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी थे, जो कभी इसी शास्त्री कॉलेज में पढ़ा करते थे और उसके बाद में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके संपूर्ण देश और प्रदेश में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। क्या है शास्त्री संस्कृत कॉलेज की मुख्य विशेषताएं, इनसे लेकर अपने साथ आज जुड़े हैं यहाँ के प्राचार्य महोदय, उनसे जानेंगे संस्कृत शिक्षा के बारे में। सर, बात करें संस्कृत शिक्षा को लेकर शास्त्री कॉलेज में है, कब इसकी स्थापना हुई थी? क्या ये 1962 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है और ये महापुरा का गौरव है और इसकी जो स्थापना की है वो संत शिवानंद जी के द्वारा हुई है और ये किसी के द्वारा स्थापना होना ये भी एक अनोखा विषय है। शिवानंद जी महाराज की ये तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर ही ये संस्कृत पाठशाला, पाठशाला के बाद विद्यालय, विद्यालय के बाद आज महाविद्यालय के रूप में प्राप्त हुई है और आज यहाँ जो भी चैतन्य है अध्ययन का, वातावरण का, भूमि का, वो शिवानंद जी महाराज की तपो भूमि का ही प्रभाव है और यहाँ जो भी छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। और प्राचीन समय में संस्कृत केवल ज्ञान का ही विषय नहीं था बल्कि संस्कारों का भी विषय था, इसलिए संस्कृत शिक्षा आज भी इस मायने में सर्वश्रेष्ठ है कि इसमें ज्ञान के साथ साथ प्राचीन ज्ञान है, भूगोल है, सब कुछ, सभी प्रकार के विषयों का इसमें ज्ञान है। साथ में सबसे बड़ी बात जो आज के भौतिक युग में संस्कारों की कमी है, उस कमी को पूर्ण करने वाली ये संस्कृत शिक्षा है और ये महाविद्यालय यहाँ का गौरव है, महापुरा का गौरव है। न केवल महापुरा का गौरव है बल्कि राजस्थान में एकमात्र शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान STC जिसको कहते हैं, वो गवर्नमेंट की संस्कृत की एकमात्र यहीं पर है, ये भी महापुरा के लिए गौरव का विषय है। यहाँ पर आज हमारे यहाँ 203 छात्र पढ़ते हैं, लगभग 45% बच्चियाँ हैं और विशेष बात जो ये सामान्य रूप से अपन तुलना करें कि संस्कृत के छात्र संस्कारित तो है ही लेकिन अन्य के साथ तुलना करते हैं तो यहाँ बेरोजगारी का प्रतिशत भी बहुत कम है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये सरस्वती माता सभी के जीवन में इसी तरह से आए और इसी तरह से
सब संस्कारों को प्राप्त करके माता पिता और अपने समाज को धन्य घोषित कराए। यहाँ पर छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, न सिर्फ संस्कृत बल्कि खेल और आधुनिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। ये गांव संस्कृत को जिंदा रखे हुए है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन भी इस गांव की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। महापुरा से ओम प्रकाश चौधरी के साथ रावेश गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।